फ्रेंड्स, ये है क्रिसमस कैक्टस शंबरगरा। इसके ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। इसको कटिंग से किस तरीके से लगाना बहुत ही इजी है। कई बार जब प्लांट्स जब काफ़ी लेगी हो जाता है तो इसे समय समय से हमें प्रून कर लेना चाहिए। और प्रून करने के बाद में जो लीव्स हमें मिलती हैं, देखिए इसकी कटिंग वैसे नहीं होती कि हमने प्रूनर लिया और इसे कट कर दिया। इसकी लीव्स जो है इसकी पिंच करके लीव्स होती हैं। तो जब पिंच करके लीव्स आप अलग रख लेते हैं तो इस तरीके के, देखिए इसमें नीचे जो है हमें 5 से 6 घंटे के लिए उसे रख देना चाहिए, ताकि उसमें जो है कैलस फॉर्म हो जाए। मैं देखिए आपको पिंच करके दिखाती हूँ। ये देखिए आहिस्ता से आप पिंच कीजिए और पिंच करने के बाद में उसे देखिए, ये आपको ऐसा दिखेगा। इसे आप 5 से 6 घंटों के लिए या तो टोटल 24 आवर्स के लिए उसे रख दीजिए या 12 आवर्स के लिए रख दीजिए, ताकि कैलस फॉर्म हो जाए। कैलस का मतलब ये होता है कि नीचे वाली जो टिप है जहाँ से आपने उसे पिंच किया वो हार्ड हो जाती है। और फिर या तो आप उसको डायरेक्ट सैंड में लगा सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा में डिप करके लगा सकते हैं, या फिर यदि रूटिंग हार्मोन है तो उसमें आप डिप करके लगा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास में ये 4-5 लीव्स हैं और इनमें कैलस फॉर्म हो चुका है। तो हमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ आप उसी पॉटिंग सॉइल में जिसमें इसमें लगा हुआ है, मैंने इसमें इसी में मैं पोक कर रही हूँ, ताकि पोक करने का मतलब हम उसे घुसा देंगे रेट में और हल्का हल्का साइड से दबा देंगे। और उसके रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 10 दिन बाद, और इसे रखना का इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में, ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और इसे हमें पोक करने के बाद में निचला हिस्सा आप हमेशा देखिए, जिस तरफ थॉर्न है उसके कांटे तो नहीं होते, लीव्स होती है कुछ, तो उसके ऑपोजिट साइड से आप लगाइए। और ये देखिए उसके रिजल्ट्स हैं, ये आपको देख रहे थ्रेड लाइक। और ये विद इन अ वीक या 10 से 20 डेज में ऐसे रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और रूटिंग स्टार्ट होने के बाद में आप इसे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होने दीजिए। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दूसरी वाली भी लग के तैयार है। इस तरीके से आप बहुत सारे जो हर लीव से आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।